दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सामने राम मंदिर के अंदर एक मुस्लिम बच्चे के साथ घटी दिल दहला देने वाली घटना पेश करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल राम मंदिर में हिंदुओं ने एक मुस्लिम बच्चे को जलती हुई कढ़ाई में फेंक दिया और फिर ऐसी अद्भुत घटना घटी कि वहां मौजूद सभी हिंदुओं ने चिल्लाने लगी और जो जहां भी भाग सकता था वहां से भाग गया। लेकिन उन हिंदुओं ने ऐसा क्या देखा कि वो वहां से भाग गए, ये जानने के लिए आपको आज का वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, जिस दिन ये घटना घटी उस दिन हाफिज मोहम्मद नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति के घर में त्योहार था, क्योंकि उनके घर में 10 साल बाद एक बेटे का जन्म हुआ था, इसलिए वे बहुत खुश थे। सबाना बीबी यानी हाफिज मोहम्मद की पत्नी ने बिना किसी बच्चे के 10 साल बिताए। उन्होंने कई मौलवियों, हकीमों और अनुभवी डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन हर तरफ से उन्हें निराशी हाथ लगी। तभी एक पड़ोसी ने उनसे कहा खजा गरीबे नवाज के दरबार में जाकर उनके लिए दुआ करने को, क्योंकि उनके दरबार में जाने वाला खाली हाथ नहीं लौटता, वो अल्लाह ताला को प्यारे हैं, उनकी वजह से अल्लाह ताला हर किसी की दुआ सुनते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये सुनने के बाद पति पत्नी ख्वाजा गरीबे नवाज के दरबार में गए। उन्होंने लंगर बांटा, निवाज की पेशकश की, दुआएं मांगी, चादर चढ़ाई और कुछ ही महीनों में अल्लाह ने अपने प्यारे ख्वाजा गरीबे नवाज की दुआ से उन्हें खुशखबरी दे दी और 10 साल बाद उन्होंने एक बच्चे का चेहरा देखा तो उनकी खुशी बहुत ज्यादा थी। आज वे अपने बच्चे को ख्वाजा गरीबे नवाज रहमतुल्लाह के दरबार में ले जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि जब उनके बच्चा पैदा होगा तो वो उस बच्चे को लेकर अजमेर शरीफ में ख्वाजा बाबा के दरबार में जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें अचानक पता चलता है कि उनका बच्चा झूला से गायब है, बच्चा कहीं नहीं मिल रहा है। जिसे देख पत्नी सबाना बीबी जोर जोर से चिल्लाने लगी। सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं, बच्चा ना होने के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आया कि उनका बच्चा कहाँ चला गया, क्योंकि इतना छोटा बच्चा अकेले कहीं नहीं जा सकता था और उसके घर में परिवार वालों के अलावा कोई नहीं था। हाफिज मोहम्मद की खुशियाँ पल भर में गम में बदल गई। उसके परिजनों ने बच्चे को हर जगह तलाशा, लेकिन काफी देर बाद जब वो कहीं नहीं मिला तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि बच्चे का अपहरण कर लिया गया है, क्योंकि सभी जानते थे कि काफी मन्नतों के बाद उनके घर बेटे जन्म लिया है। दूसरी ओर कई लोग राम मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहे थे, तभी एक पंडित चादर में छुप कर राम मंदिर में दाखिल हो गया। उसके गोद में एक छोटा बच्चा था, आते ही उसने बच्चे को खोलकर आग के अंदर फेंक दिया, बच्चा रोने लगा। इस दर्दनाक घटना को देखकर राम मंदिर के पंडितों का मन एक पल के लिए भी नहीं कांपा, बल्कि वे बहुत खुश हुए, क्योंकि आज उन्हें एक बच्चे को बलि देनी थी। वो अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक मुस्लिम बच्चे की बलि देना चाहता था और जब उसे पता चला कि पास में एक मुस्लिम बच्चे का जन्म हुआ है तो वो उस बच्चे को चुराने के मौके की तलाश में था। और जब बच्चे की माता पिता अपनी तैयारियों में व्यस्त थे तो उसने खिड़की से छलांग लगाई और बच्चे को उठाया और सभी को नजरों से बचते हुए बच्चे को ले गया। राम मंदिर के शिष्य पर एक बड़ी कढ़ाई में खाना बनाया जा रहा था। जैसे ही पंडित आया उसने बच्चे को खोला और गर्म तेल में डाल दिया। ये दृश्य देखकर प्रकृति भी कांप उठी। उसने खोलते हुए तेल के साथ बच्चे को देवताओं को अर्पित कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि बलिदान के बाद मंदिर के सभी सजावट और मूर्तियों से साफ हो जाएगा, काली ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मंदिर को पवित्र करने के लिए पंडित एक मासूम बच्चे की बलि देना चाहते थे, लेकिन जब पंडित बच्चे को कढ़ाई में फेंकने ही वाला था तो वो अचानक अचंभित रह गया। बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा हो। ये देखकर कि बच्चा तेल में नहीं डूब रहा है, वहाँ मौजूद सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने एक बड़ा चम्मच उठाया और बच्चे को इस तरह से दबाना शुरू कर दिया कि वो तेल में डूब जाए।
लेकिन फिर भी वे बच्चे को तेल में नहीं डुबा सके। वे हवा में ऐसे तैर रहा था जैसे किसी ने उसे दोनों हाथों से पकड़ रखा हो। ऐसा मंजर देखकर पंडित बहुत डर गया। उसे लगा कि ये कोई भूत या अलौकिक शक्ति होगी। फिर वो जोर जोर से अपने मंत्र पढ़ने लगा। उसने बच्चे को तेल में डालने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस दौरान वो लगातार हिलने लगा। उसने कढ़ाई को हिलाना शुरू कर दिया ताकि तेल की छींटे बच्चे पर पड़ जाए, लेकिन बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि तेल की कढ़ाई उलट गई और वो खुद ही उस तेल में जल गया। उसकी तेज चीख हवा में गूंज उठी और वो बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ भागता रहा। वो इधर उधर भागने लगा। उसकी चीखें सुनकर कुछ लोग दौड़कर आए। उनमें से कुछ मुसलमान भी थे जो उस बच्चे की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। उनमें से एक हाफिज मोहम्मद भी था जो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। एक पंडित ने दूसरे पंडित को पीटना शुरू कर दिया और उससे कहा, लगता है तुम किसी राक्षस का बच्चा लाए हो, ये इंसान का बच्चा नहीं हो सकता। वे घबरा गए। राम मंदिर में प्रवेश करने वालों को समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी उन्होंने देखा कि पंडित आपस में लड़ रहे हैं और दर्द से उछल रहे हैं। तभी हफीज मोहम्मद की नजर जब बच्चे पर पड़ी तो वो बच्चे की ओर दौड़े और तुरंत बच्चे को पहचान लिया। पहले तो उसने आश्चर्य से बच्चे की ओर देखा और देखा कि वो हवा में तैर रहा है और वो तुरंत आगे बढ़ा और बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उसने बड़ी बड़ी आंखों से आसमान की ओर देखा। अब उसने पंडित को पकड़ लिया और पूछा, मेरे बच्चे को यहाँ कौन लाया? मैं समझता हूँ कि अपने बच्चे को इस खुलते हुए कढ़ाई के अंदर रखा है। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ता, लेकिन आप शायद नहीं जानते हैं कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये ख्वाजा गरीब नवाज की दान है। उन्हीं की दुआ से हमें यह बच्चा मिला है, समझ गए? और आज हम उसे बधाई देने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में ले जा रहे थे, लेकिन जब तुमने मेरा बच्चा चुरा लिया तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि मेरे बच्चे को बचा लो, और मैंने ख्वाजा गरीब नवाज से कहा कि मैंने अपना बच्चा आपके हवाले कर दिया है, चाहे मेरा बच्चा कहीं भी हो, आप अल्लाह के आदेश से उसकी रक्षा करेंगे, और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने मेरे बच्चे की रक्षा की है, और इस कारण तुम्हारा उद्देश्य विफल हो गया। हाफिज मोहम्मद बहुत गुस्से में थे, लेकिन उनके रिश्तेदार उन्हें घर ले गए, क्योंकि वे जानते थे कि पंडित शक्तिशाली थे, क्योंकि वे उनके गुरु थे, इसलिए वे मुसलमानों को अपमानित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके चलते हाफिज मोहम्मद के रिश्तेदारों ने उसे पकड़कर घर ले गया। सबाना ने अपने बच्चे को गले लगा लिया और रोने लगी, और दोनों पति पत्नी अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगे। दोस्तों, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को जरूर कबूल करता है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे और नेक बंदे को बहुत सम्मान दिया है। उनका संदेश फैलाए कि अल्लाह ताला सभी की प्रार्थनाएं और इच्छाएं पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही है, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना ना भूले कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूले। धन्यवाद।